नमस्कार। गुरुकुल शिक्षा में जब प्रश्नोत्तर होता है तब अधिकतर पूछा जाता है कि कन्याओं के शिक्षण की गुरुकुल में क्या व्यवस्था है। जो ये संस्कृति आर्य गुरुकुलम है उधर कन्याओं के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था है। कन्याएं जो घर में माता के घर पे रह के माता के पास से जो सीखती हैं वो सभी इधर सिखाया जाता है। औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से माने कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से बच्चियों को इधर हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आज के समय में कन्याओं को देनी चाहिए ऐसी मेरे ख्याल से गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के अनुसार और मेरे दृष्टिकोण से दो बातें हैं जो कन्याओं को आज के समय में सिखानी चाहिए। एक तो है व्यक्ति की परख करना, जो आज कन्याओं में या महिलाओं में थोड़ी कम हो गई है, जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं, या फिर वो भावनाओं के प्रवाह में आके बह के वो गलत निर्णय कर लेती हैं जीवन का, युवती होके या फिर महिला भी होके। ये निर्णय केवल विवाह संबंधित नहीं होता है, ये निर्णय अपने माता पिता से विरोध करने के समय या फिर विवाह होने के बाद पति से विरोधाभास होते समय, ये छोटी छोटी बातों में व्यक्ति की परख करना और व्यक्ति की परख करके उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करना, ये आज की कन्याओं में आज की महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि स्कूल में कॉलेज में इवन घर में भी इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती है, इस तरह का कोई शिक्षा नहीं सिखाई जाती है। उदाहरण स्वरूप देखें तो पहले बड़े बुजुर्ग होते घर पे तो वो बोलते कि इसको पहले हम मिल लेते हैं फिर आप उसके साथ वार्तालाप करना। तो बुजुर्ग लोग घर के जो मुखिया लोग होते थे वो जिसको पास करते वो जिसको उत्तीर्ण करते वही चाहे स्त्री पात्र हो चाहे पुरुष पात्र हो वही एक कुमारी का के पास एक तरुणी के पास पहुंच पाता उसके पास कि ये विचारों के आदान प्रदान में कोई उससे गलती ना हो जाए। और आज बच्चों को स्वातंत्र देने के नाम पे खास करके लड़कियों को माता पिता ने खुला दौर छोड़ दिया, तो इसके कारण मुग्धावस्था में कुमारिकाएं बहुत गलतियां करती हैं व्यक्ति को परखने में। वो व्यक्ति का केवल बाह्य आचरण देखती हैं, व्यक्ति का केवल बाह्य रूप देखती हैं, केवल पर्सनालिटी देखती हैं और उसके कारण आकर्षित हो जाती हैं। वो आकर्षित होकर कोई गलत निर्णय न भी करे तो भी वो आकर्षण का परिणाम उसको उसके ध्येय से विचलित करता है। उसका जो मुख्य काम होता है उससे वो विचलित हो जाती हैं और उसी के कारण वो जीवन भर पछताती रहती हैं फिर कि मैंने उस समय में अपना समय ये विषयों में ना गंवाया होता तो मैं बहुत आगे निकल सकती थी, लेकिन तब तो वो समय चला गया होता है। और दूसरा होता है, एक तो होती है व्यक्ति की परख जो आज सिखाई नहीं जाती है या खुद माता पिता भी नहीं जानते हैं, वो भी उसी आकर्षण में होते हैं भौतिक। तो इधर कन्याओं को और कुमारों को भी ये सिखाया जाता है कि किसी के भी बाह्य आकर्षण में नहीं आना है, किसी के भी बाहर के दिखावे पे नहीं जाना है, चाहे वो कपड़े से दिखावा करता हो चाहे वो अपनी वाणी से दिखावा करता हो। दिखावे को पहचानने के लिए व्यक्ति खुद भी निर्दम्भ होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद दिखावा नहीं करता है वही दूसरे के दिखावे को पहचान पाएगा। खुद दिखावा करने वाला क्या दूसरे को दिखावे को पहचान पाएगा, और पहचान भी पाएगा तो वो क्या बोलेगा। हाँ, इसीलिए हिंदी में कहावत है ना कि जो कांच के घर में रहते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते, उसी तरह वो स्वयं ही दिखावा करते हैं। तो इधर का जीवन पूरा दिखावे से मुक्त है, पूरा निर्दम्भ है, बिल्कुल दम्भ नहीं है, एकदम पारदर्शी जीवन है इधर का। इसीलिए इधर के बच्चे को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि जैसे जौहरी सोने को परख करता है वैसे जीवन में व्यक्ति की परख करना सीखो, और खास करके कन्याओं को व्यक्ति की नजर की परख करना सीखो, व्यक्ति के बोल चाल से उसके हृदय के भाव को समझने का प्रयास करो। तो ये मुख्य शिक्षा आज देनी चाहिए हर माता को, माताओं के द्वारा अपने संतानों को, लेकिन ये हो नहीं पाता है। इसीलिए मुग्धावस्था में युवक युवतियाँ बहुत गलतियाँ करते हैं और उसका परिणाम न केवल उनको भुगतना पड़ता है परिवार और समाज को भी भुगतना पड़ता है। तो ये मुख्य बात है। और दूसरा, कन्याओं को ये सिखाया जाता है कि घर का काम तुच्छ नहीं है, सामान्य नहीं है। घर के काम में साधी गई एकाग्रता आपको पढ़ने में सहायक होगी, ये मेरे अनुभव की बात है। जितनी एकाग्रता आप घरेलू कामों में साधते हैं, माने कि झाड़ू पोछा करना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, रसोई बनाना, कपड़े तय करना, यहाँ तक आप ये सब कामों में जितनी एकाग्रता और कुशलता साधेंगे, चाहे वो कन्या हो चाहे कुमार हो, कोई भी व्यक्ति हो, उतना ही वो एकाग्रता उसे काम आएगी
उसके पढ़ाई में। आज एकाग्रता साधना के लिए मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये तो करना ही है, ऐसा नहीं कि समय ये नहीं करना है, ये तो सब प्रातःकालीन काम है ब्रह्म मुहूर्त में करने के, लेकिन पूरा दिन हम अपना काम खुद करें तो ये एकाग्रता साध्य सहज साध्य हो जाती है, और एकाग्र होकर कोई भी काम करने से वो काम अच्छा होता है, ये तो हम सबके अनुभव की बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये घरेलू काम है वो विघ्न रूप है, पढ़ाई में बाधा रूप है, ये बहुत सहायक है पढ़ने में, तो ये कन्याओं को ये भी सिखाया जाता है। तो ये जो मुख्य बातें हैं कि घरेलू कामों के प्रति भी उतनी ही रुचि, जो आजकल की कन्याओं में से कुमारों में तो थी ही नहीं पहले, समझ लीजिए माताएं भी बोलती है लड़का काम ना करे तो चलेगा, लेकिन लड़कियों को तो पहले करवाया जाता था, लेकिन आज घरेलू कामों में रुचि नहीं है। घरेलू काम तो कौन करेगा, घर पे काम वाली रखी है, मशीन रखा है, वो करेगा। तो घरेलू कामों के प्रति रुचि बढ़ा रहा, जबरदस्ती नहीं, उसकी स्वयं की रुचि हो, ये कन्याओं को मुख्य रूप से सिखाया जाता है व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमने पहले बताई, व्यक्ति की परख करना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुण अनिवार्य हैं समाज में, यदि ठीक ठाक हमें रहना है तो ये दोनों बातें कन्याओं के लिए बहुत आवश्यक होती हैं और इधर मुख्य रूप से सिखाई जाती हैं। आगे कन्याओं को कौन कौन से विषय सिखाए जाते हैं वो उसकी बात हम आगे के वीडियो में करेंगे। नमस्कार।